हेलो गाइस, वेलकम टू कैडेट लाइफ एक्स। हु डेयर्स विंस, हु स्वीट्स विंस, हु प्लान्स विंस। जो हिम्मत करता है, पसीने बहाता है और प्लानिंग से चीज़ों को करता है, वो हमेशा जीतता है। तो आपकी भी जीत होगी अगर आपके अंदर हिम्मत है और आप प्लानिंग से हर चीज़ें कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली जीतोगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम किस तरीके से नॉर्मल स्टूडेंट भी 55, 65 या 75 प्लस मार्क्स गेन कर सकता है मैथ में। तो टारगेट होगा CDS 2021। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। तो ये जो प्रिपरेशन होती है CDS की, तो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड होती है। जैसे कि मैथ्स की बात करता हूँ मैं आज, मैथ की जो तैयारी है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होती है, मतलब उसमें नंबर अगर आपको गेन करने हैं 55 या 65 या 75 या इससे भी ज़्यादा, तो किस चीज़ पे ये डिपेंड होता है। सबसे पहले ये डिपेंड होता है प्रिपरेशन पे, किस तैयारी, किस हिसाब की आपकी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जाम। और फिर दूसरी बात आती है एक्यूरेसी पे। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जैसे कि रेडियस पूछी है, ठीक है, या डायमीटर पूछा है। तो हम क्या करते हैं, डायमीटर पूछा है पर रेडियस निकालने के बाद बस रेडियस का ही आंसर, मान लो रेडियस 7 आई और ऑप्शन में 14 भी दिया है, 7 भी दिया है, और वहां पे पूछा है क्या डायमीटर, तो हम रेडियस के भी टिक कर देते हैं। तो ये एक्यूरेसी को खराब करते हैं। ये एक्यूरेसी खराब होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब माइंड स्थिर ना होना, क्योंकि मैथ का एग्जाम जो होता है वो शाम को होता है, दो पेपर के बाद, तो थोड़ा दिमाग भी थक जाता है। तो इस कारण एक्यूरेसी में गड़बड़ी आ जाती है। तो ये सब चीजें की बात करेंगे, किस तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। और तीसरी बात आती है टाइम मैनेजमेंट। पेपर इतना हार्ड नहीं होता मैथ का, क्वेश्चन 9th-10th लेवल के होते हैं, 55 और 65 तो इजीली हर एक बंदा मतलब कर सकता है स्कोर। बात आती है फिर टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चंस पूरे नहीं हो पाते। और आपने मॉक वगैरह लगाए होंगे तो आपको पता चला होगा कि क्वेश्चंस में कर सकता था पर टाइम की वजह से ये नहीं हुआ। तो आज हम इसमें टाइम मैनेजमेंट, ये चारों फैक्टर देखेंगे जो कि स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले ये तीन बात भी याद रखना है आपको, क्वेश्चंस क्या करने हैं 100 तक, एक बार पूरा पेपर सोल्व करना है, मतलब 100 क्वेश्चंस आते हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस एक बार एक कांस्टेंट स्पीड में सोल्व करने हैं, रुकना नहीं है कहीं भी। अगर कोई क्वेश्चंस अननोन आता है या न्यू क्वेश्चंस आता है तो उस पे रुकना नहीं है, उसको छोड़ देना है, किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना, क्योंकि ये टाइम वेस्ट कराते हैं। इसी से आपकी स्पीड खराब हो जाती है जिसके कारण डिमोटिवेशन आ जाता है एग्जाम में और आप थक जाते हो, क्योंकि तीन दो पेपर ऑलरेडी तुम दे चुके हो, उसके बाद मैथ्स का देना होता है और उस कारण आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप 1 घंटे बाद 50% पेपर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई, मैंने 50% क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। तो एक साइकिल में आपको क्या करना है, फर्स्ट साइकिल में पूरा 50% प्लस टारगेट रखना है, यानी कि 100 क्वेश्चन है, 1 घंटे के अंदर कम से कम 50% प्लस कर देना है। यदि आपका टारगेट 55 है तो आपको कम से कम 35 प्लस क्वेश्चंस कर देने हैं 1 घंटे के अंदर। अगर 65 है तो उसके लिए भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो सभी के लिए आगे आगे बात करेंगे। और ये बात भी याद रखना, ये OMR भी भरनी होती है, तो 10 मिनट उसके लिए भी सेव करने होते हैं। तो यानी कि हमें जो 100 क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम कितना मिलेगा हमारे पास, 110 मिनट। तो ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की, किस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए थी। तो अब हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हैं, तो तैयारी तो आप सबने कर ली होगी, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर जिन बच्चों ने 9th और 10th अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो वो भी 55 प्लस तो आसानी से ला सकता है। और मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप 55 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, पूरा पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा। अब इन 6 दिनों में करना क्या है, इन 6 दिनों में आपको क्या करना है, कुछ नई चीज़ तो पढ़नी नहीं है, जितने भी फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़े हैं 9th-10th के, वो सभी रिवाइज करने हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो, एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए और वो भी अच्छे से। दूसरी चीज़ ये कि प्रीवियस ईयर मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रीवियस ईयर मॉक नहीं दे तो पता नहीं चलेगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें कहाँ पे टाइम मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर पूरा पूरा पढ़ के भी तैयारी करना गलत बात है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उस चैप्टर में से बस थोड़ी सी ही पूछी जाती हैं और हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अगर जाननी है तो ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेंगी। तो एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यह सब चीज़ मैं इस वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट
एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किस तरीके से आएगी? एक्यूरेसी के लिए आपको क्या करना होता है, फर्स्ट टच ओनली स्ट्रॉन्ग एरियाज, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज एरियाज हैं सबसे पहले उनके ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत से लोगों की ज्योमेट्री वीक होती है, बहुत से लोगों की ट्रिग्नोमेट्री वीक होती है, तो उन क्वेश्चनों को आपको छूना नहीं है फर्स्ट साइकिल में। फर्स्ट साइकिल में आपको सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग एरियाज छूने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। उसके बाद टिक ओनली व्हेन यू गेट ऑप्शन, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आंसर मिलता है तभी उसका टिक करना, अदरवाइज उसको छोड़ देना, तुक्का नहीं मारना है फर्स्ट साइकिल में तो बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटे के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने अपना सेफ स्कोर गेट कर लिया, उसके बाद आप तुक्का वगैरह जो भी आपको 50 वगैरह लगता है, 50-50, या तुम्हें लगता है कि हाँ मैं इस आंसर के बहुत ज्यादा करीब हूँ, तो उसमें टिक कर सकते हो, अदरवाइज आपको छूने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज होती है एक्यूरेसी के लिए कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है हम कैलकुलेशन करते हैं और गलत कैलकुलेशन के कारण हमें एक गलत ऑप्शन भी मिल जाता है और हम उस पर टिक कर देते हैं और बाद में पता चलता है अरे ये तो मेरा बहुत मतलब इजी क्वेश्चन गलत हो गया। तो कैलकुलेशन अगर अच्छी रहेगी तो एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी। चौथी बात होती है फोकस ऑन रीडिंग क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो उसे बहुत अच्छे से आपको रीड करना होता है। कई बार मैंने जैसे पहले ही बताया था कि डायमीटर पूछा होता है और आप रेडियस निकाल के ही टिक कर देते हो, या बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं आधे अधूरे हम सोल्व करके ही टिक कर देते हैं, या कभी कभी पूछा कुछ और होता है और हम जल्दी के कारण, क्योंकि प्रेशर रहता है, जैसे कि मैंने बताया 2 एग्जाम के बाद ये पेपर होता है थर्ड, तो इस वजह से मतलब हो जाता है बच्चों के साथ, तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है एक्यूरेसी के लिए। तो ये 4 पॉइंट है, इनको ध्यान में देना। अब आता है टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। सबसे पहले फर्स्ट 1 आवर, जो पहला घंटा होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में ही आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। किस तरीके से, जो 55% 55+ वाले हैं उनको क्या करना है, पहले 1 घंटे में 35 से 40 क्वेश्चन कर लेने हैं, और 65+ वालों को 40 से 45, और 75+ वालों को 45 से 50, और अपना अपना देख लेना आपकी क्या तैयारी है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि आप कितने वाले हो, किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप 75 वाले में हो या 65+ वालों में या 55+ वालों में। अगर आपको लगता है कि मैं इन तीनों से भी नीचे हूँ, 50+ वाला हूँ या 45+ वाला हूँ, तो आपको मैं एक पेपर सोल्व करके अभी दिखाऊंगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप इजिली 55+ गेट कर सकते हैं, अगर जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, जिसने भी 9th 10th में हल्का सा भी अगर हर चीजों को ध्यान से पढ़ा है। तो करने क्या है, अटेम्प्ट करने हैं पूरे 65 क्वेश्चंस 55 वालों को, और 65 वालों को कम से कम 75, और इसी तरीके से जिसको 75+ मार्क्स लाने हैं उनको 85 तक अटेम्प्ट करने हैं। स्किप करने हैं अननोन क्वेश्चन और न्यू क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पे तो अटकना है ही नहीं, छोड़ देने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। शुरू में कई बार ऐसा होता है कि लगातार 10 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो कि आपको एकदम ऐसा कर देते हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, पर ऐसा नहीं है, बाकी के 90 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप इजिली 65 कर सकते हैं। तो क्वेश्चन वो करने हैं जो आपको आते हैं, और 10 मिनट हमेशा बचा के रखनी है ओएमआर के लिए, अगर ये फिल नहीं की तो सब करा हुआ बेकार। अब देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स सी डिफरेंट अप्रोच टू गेट मार्क्स। अब मैं आपको पेपर सोल्व करके बताऊंगा किस तरीके से हम पेपर को सोल्व करते हैं और किस तरीके से हम टाइम बचाते हुए एलिमिनेशन मेथड लगाते हुए पेपर में अच्छे नंबर लाते हैं। तो क्या जरूरी है अच्छे नंबर लाने के लिए, सबसे पहले तो शांति बनाए रखना है अपने दिमाग में, कोई भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए कि मेरा नहीं होगा सिलेक्शन, सिलेक्शन सबका हुआ है, सबने किया है, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो तैयारी अच्छी है तो जरूर होगा। तो नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं CDS 1 2021, ये प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर लेकर आया हूँ और मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें अप्रोच रखनी है, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को स्किप करना है, और कैसे 1 घंटा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सब कुछ करके दिखाऊंगा। और वीडियो को पॉज कर करके हर एक क्वेश्चन करके देखना कितना टाइम लग रहा है, और अपने जो भी मार्क्स आए हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं बहुत से क्वेश्चन स्किप करूंगा उनका सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो मेरी जो स्पीड रहेगी वो मैं 75+ के हिसाब से रखूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इफ द नंबर दिस डिविजिबल बाय 13, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, स्किप कर देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना।
पी की वैल्यू बतानी है, लेफ्ट साइड से पेयर बनाते चलेंगे। पेयर बनाने के बाद अल्टरनेट साइन के साथ इसको ऐड करेंगे, 387 इधर, फिर 759, फिर प्लस 83P, फिर माइनस 132, फिर प्लस 4। अल्टरनेट साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 83P इधर लिख लेना है। इन दोनों को माइनस करेंगे, 500 माइनस का 83P डिवाइड बाय 13। वैल्यू चेक करनी है ऑप्शन नंबर 3, 6, 7, 8, जो भी वैल्यू रखने के बाद माइनस करने के बाद 500 से अगर 13 से डिवाइड हो जाएगा, वही ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 7? तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर, इसका क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो जब ये 2 है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और 2 की पावर ये इतनी सारा नंबर है तो पता नहीं क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से नंबर लेना होता है जिसका रिमाइंडर 1 आए। तो 2 की जगह हम इसको क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। 8 किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जब 8 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 की पावर कुछ भी हो तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, लास्ट डिजिट क्या होगी, 1, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 1। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 5 बार 9 लिखेंगे और 2 को इधर लिख लेंगे इसको, यानी ब्रेक कर देंगे इस वाले नंबर को। फिर क्या करना है, 2 की पावर 9 को फिर दोबारा 2 की पावर 3, 3 कॉमन लेके इस तरीके से लिख देंगे। 2 की पावर जो 3 है ये हो जाएगा 8, 2 टू जो 4, 4 टू जो 8, और ये पावर आ गई और ये हो गया 2। अब इसको डिवाइड करना है 7 से, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर 3, 3 ये जो भी है, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई में 2 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर, हमें पेयर बताने हैं, ये हमारे पास सेट दिए हैं, स्किप करना है ये क्वेश्चन भी, इस वाले फंक्शन में रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स डज नॉट इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये जो आया है इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आया, x की x में करनी है, y की y में, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इस तरीके से ही आया है। यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू वाई हो गया, और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था x डज नॉट इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे हमें एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 0। कंसीडर द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी सबसे पहले हमें कंसीडर करने हैं प्राइम नंबर के पेयर m और n, वो भी होने चाहिए बिटवीन 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 53, 59, 61, 67, प्राइम नंबर पता होने चाहिए सभी को, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद ये कह रहा है m माइनस n, यानी जो दो पेयर हैं उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। तो अब हमें चेक करना है किन का डिफरेंस 6 का है, तो 53 और 59 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 का है, ठीक है। 59 और 61 इनका डिफरेंस 6 का नहीं है, 4 का है, तो इसको छोड़ देंगे। इसके बाद 61 और 67 इसका भी डिफरेंस क्या है, 6 का है। फिर 67 और 71 को देखेंगे, इसका डिफरेंस नहीं है, पर 67 और 73 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 का है, ठीक है। ऐसी 73 और 79 इसका डिफरेंस भी 6 का है। इसके बाद 83 और 89 को देखोगे तो 89 और 83 का डिफरेंस भी 6 का है। तो टोटल हमारे पास कितने डिफरेंस आ गए, हमारे पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है प्राइम नंबर होते क्या है, कोई भी एक प्राइम नंबर अगर स्किप हो गया ना तो आंसर आपका गलत आएगा, तो इसलिए कहता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें टर्म बताना है कि कितना कितने टर्म है प्रोडक्ट करने के बाद। तो डेफिनेटली आपको पता होगा इजिली, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है और यहाँ पे 5 नंबर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उतने ही टर्म होंगे। तो 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 60। नॉर्मली बंदा कर सकता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 6? जैसा कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, उसमें क्या होता है, ए माइनस बी बाहर आ जाता है, और अंदर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए, इतना ही काफी है। तो यहाँ पे
ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 27 माइनस 15, अंदर से हमें मतलब नहीं, 27 माइनस 15 क्या आएगा, 12, अंदर ये मल्टीपल में जो भी है, और डिवाइड करना है 6 से। अगर ये 12 डिवाइड हो रहा है, 6 टू 12, तो ये नंबर पूरा ही डिवाइड होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है। इस क्वेश्चन में बताना है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो कौन से ये करेक्ट है, 1 2 3, या तीनों करेक्ट है, या कौन कौन से करेक्ट है। तो ये वाला तो सबको पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC हो जाता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाता है। सेकंड और थर्ड चेक करते हैं, सबसे पहले थर्ड दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये 3 AB, और यहाँ पे सी की जगह लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, वो भी माइनस की, तो माइनस यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला भी ट्रू हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी मतलब 1 और 3 दोनों ट्रू हैं, तो ऑप्शन ये वाले तो एलिमिनेट हो गए, तो यानी 1 और 3 या तो ये होगा या ये होगा, तो हमें 2 नंबर और चेक करना है, ये वाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पे ये 0 हो जाता है, स्क्वायर करेंगे तो भी 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये 0 है, और ये 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -2 AB प्लस BC प्लस CA, ये मैं लिख रहा हूँ, वैसे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, ये दो तीनों ही ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड और रूल लगेगा, लेंथ ही जाएगा, तो मैं अभी फिलहाल छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन, तो हमें यूनिट डिजिट बतानी है, तो लास्ट का ही नंबर लेंगे, यूनिट डिजिट वाला 7 की पावर 32 लिख लेते हैं, और जो पावर वाला नंबर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके रिमाइंडर पर डिपेंड होता है क्या आंसर होगा, तो 4 से जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0, क्योंकि 4 8 32 रिमाइंडर आया 0, तो रिमाइंडर क्या होता है, 7 की पावर, यानी इसी के ऊपर लिखेंगे 0, तो 7 की पावर अगर 0 हो तो 1 आएगा, अगर 7 की पावर 1 होता यानी रिमाइंडर 1 आता तो 7 आ जाता, अगर 7 की पावर 2 होता यानी रिमाइंडर 2 आता तो क्या हो जाता, 49, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाती, 9, तो फिलहाल हमारे पास रिमाइंडर 0 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी देखते ही छोड़ देना क्योंकि इसमें भी कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड वाला रूल लगेगा, तो मैं स्किप करा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर सकते हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वेरिएबल में, थोड़े बड़े लगते हैं डिफिकल्ट, पर ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप क्या करना है इसको इजी बनाना है, इजी किस तरीके से, यहाँ पे जो भी ये नंबर है मतलब वेरिएबल है उसकी जगह कोई भी अपनी तरफ से नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2, तो 2 लेने के बाद क्या मिला हमें, 2 माइनस 1 यानी ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे 2 माइनस 2 करूंगा तो 0, यहाँ पे 2 माइनस 7 करूंगा तो -5, और यहाँ पे 2 प्लस 2 करूंगा तो 4, तो मेरे पास ये 4 ऑप्शन हो गए, तो इन्हीं में से एक आंसर होगा, तो चेक करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर जब मैं चेक करूंगा सबसे पहले इस तरीके से वैल्यू रखनी है कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा 0 नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे जब मैंने 2 रखा तो 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 2 जा 4 8 2 जा 16 प्लस 7, इसी तरीके से ऊपर भी 2 की पावर 3 यानी 8 माइनस 1, और फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 4 9 2 जा 18 प्लस 14, अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको सोल्व करूंगा, ये 9 8 माइनस 1 7 इंटू, यहाँ पे ये क्या आ गया 18, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 18 आ जाएगा, और 18 में से 18 जाएगा तो 0, तो इसका मतलब ऊपर वाला 0 नीचे कुछ भी हो तो आंसर तो 0 ही आना है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत इजी वे में करना है। इसके बाद व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें जो हमें ये मिल जाए, सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, अपनी तरफ से एक नंबर ले लेना है, नंबर इस तरीके से लेना है, अब जैसे यहाँ पे एक्स माइनस टू है, पिछली बार मैंने 2 लिया था तो यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि नीचे अगर मैं यहाँ 2 ले लूंगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, तो 1/0 क्या आता है, इनफाइनाइट आ जाता है, तो इस तरीके से नंबर लेने, ना ही आप 2 ले सकते ना ही 4, तो अलग कोई भी नंबर ले सकते हैं, अलग क्या ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, फिर तो 1 लेके देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ पे जब लेंगे हम 1/ में, जब 1 लूंगा तो 1 माइनस 2 माइनस का 1, और 1 माइनस 4 माइनस का 3, तो मेरे पास नंबर आया 1/3, ये नंबर हो गया 1/3, और मुझे लाना क्या है, ये लेकर आना है, तो 2 1 रखेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, मतलब 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3, इसी तरीके से यहाँ पे 1 1 1, तो ये 1 रखूंगा, ये 1, ये 5, और ये +6, 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, ऐसे यहाँ पे भी x माइनस 1 यानी माइनस का 3, तो ये कट हो जाएगा, तो ये मुझे ये नंबर मिल गया 1/2, तो यानी कि 1/3 में क्या ऐड करूँ मैं कि मुझे 1/2 मिल जाए,
x इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, इस तरीके से माइनस करूंगा, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन 6, डायरेक्ट 1 अपॉन 6 क्या मिल गया मुझे, x की वैल्यू मिल गई, यानी x यहाँ पे क्या ऐड करना है 1 अपॉन 6 ऐड करना है, 1 अपॉन 6 ऐड करने पे मुझे 1 अपॉन 2 मिलेगा। तो 1 अपॉन 6 यहाँ पे चेक करेंगे कौन से ऑप्शन से मिलता है, तो 1 रख के देखूंगा मैं हर जगह, यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, 7 हो गया माइनस का और प्लस 12, 7 में से माइनस का 6 प्लस 12, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन 6, यहाँ पे देख लो एक में से 7 गया, माइनस का 6 आ रहा है और प्लस का 12 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ऊपर 1 है ही, तो 1 अपॉन में 6, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी करना है, यहाँ पे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू ए प्लस बी है, अभी नंबर कुछ डिफिकल्ट से लग रहे हैं और उसके बाद ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिमिलरली क्या करना है, इसमें दो कंडीशन दी है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों इसने कहा है ट्रू है यदि ये और ये इक्वल है, तो इसके बाद तुम्हें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपनी तरफ से नंबर सेटिस्फाई करना होता है, तो नंबर क्या लेता हूं मैं, एक्स वाई ए और बी सभी की वैल्यू क्या ले लेता हूं, वन ले लेता हूं, और मुझे पता है वन लेने के बाद ये सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर यहाँ पे वन लिखूंगा, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो ये क्या आएगा वन प्लस वन टू, इधर भी वन लूंगा, इधर भी वन लूंगा, तो ये भी क्या देंगे टू, यानी ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वन लिया, ये भी वन लिया, और वन का स्क्वायर वन, बी का स्क्वायर भी वन, ये बीच में प्लस है, ये वन आया, ये भी वन आ गया, डायरेक्ट टू, तो यानी ये दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या रखने पे, एक्स और वाई ए बी यानी सभी की वैल्यू वन रखने पे। तो यहाँ पे जब मैं वन रखूंगा, वन अपॉन में वन का स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन में बी का स्क्वायर, यानी बी की वैल्यू क्या है वन, सभी की वैल्यू वन ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्ट आंसर जीरो आ जाएगा। तो सोल्व नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू से चेक करने होते हैं क्वेश्चन। एक्स माइनस के इज द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, वॉट इज द वैल्यू ऑफ के, तो यानी एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो रखेंगे, जीरो रखने के बाद हमें x की वैल्यू k मिलेगी, और हर जगह x की जगह k रखना है, तो यहाँ पर रखेंगे k स्क्वायर प्लस ए के प्लस बी इक्वल टू जीरो, एचसीएफ अगर आता है तो इसकी वैल्यू रखने के बाद जीरो आता है, सी के प्लस डी इक्वल टू जीरो। तो अभी मैं इस वीडियो में कॉन्सेप्ट नहीं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं ये समझ के चल रहा हूँ आप सबको ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जरूर, जिसमें मैं सब कॉन्सेप्ट आपका एक बार रिवाइज करा दूंगा, सभी फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा। ये दोनों माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस सी ब्रैकेट में के, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बी माइनस डी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या निकालना है कि इसको उधर लेके जाएंगे तो ये डी माइनस बी हो जाएगा, और ये डिवाइड का ए माइनस सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी एक्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, ठीक है, और y क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, y भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z z के, तो x इक्वल टू क्या जाएगा ए जेड, यानी कॉन्स्टेंट लगा लेंगे, और y इक्वल टू क्या जाएगा बी जेड, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद कॉन्स्टेंट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी क्या हो जाएगा फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जेड स्क्वायर के, यानी इफ, इफ का मतलब ये दोनों तो ट्रू है यहाँ तक, देन का मतलब अब हमें ये बताना है क्या ये भी ट्रू है, तो हम चेक करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब जेड स्क्वायर के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये, क्योंकि जेड स्क्वायर ऑलरेडी बाहर आ गया विथ एक कॉन्स्टेंट के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स माइनस x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, यानी x क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, यानी ये हो गया, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही ले लेते हैं इक्वल टू a अपॉन में z, फिर ये कह रहा है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, इसी तरीके से y भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है z के, तो इसमें भी y इक्वल टू b अपॉन में z ले लेंगे, तो ये कहना चाह रहा है x और y मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड स्क्वायर के, ठीक है। करके देखते हैं x और y का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन किया तो ए बी अपॉन में जेड स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे देखो ये कॉन्स्टेंट आ गया, अब कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, इस तरीके से वन अपॉन में जेड स्क्वायर, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा, तो यानी दोनों ही ट्रू हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बोथ। इसके बाद ये दिया एच सी एफ, इसमें भी दिक्कत होगी, इस तरीके से वेरिएबल देते हैं, मैंने पहले ही बताया था जब वेरिएबल हो तो अपनी तरफ से नंबर मान लेना है, नंबर क्या मानेंगे कुछ भी मान सकते हैं, मैंने वन ले लिया, वन प्लस टू क्या हो गया थ्री, और यहाँ पे वन माइनस थ्री माइनस का टू, तो क्या आ गया सिक्स माइनस का, तो यहाँ पे रख के चेक करना है,
यहाँ पे 1 रखूंगा, माइनस 9 30, तो ये हो जाएगा माइनस 18 30, यानी कि यहाँ आ गया 12। इसी तरीके से इसमें रखूंगा 1 माइनस 5 प्लस 6, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 और 12 दोनों का जो एलसीएफ आएगा, एलसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें 2 आ रहा हो, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 करूंगा तो क्या आएगा, माइनस का, तो हर जगह माइनस का आ रहा है, तो मैं एक बार इसमें चेक करके देखता हूँ। 1 प्लस 2, यहाँ पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, और यहाँ पे एक सेकेंड, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 2, तो यहाँ पे ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो 3 आ रहा था ना, और यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे भी देखो ज़्यादा आएगा, 1 प्लस 3 करूंगा 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 आ रहा है यहाँ पे भी, तो हमें नंबर क्या लेना है, 2 लेना है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये भी वेरिएबल में इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, पर मैं वैल्यू पुट करके कराऊंगा। यहाँ पे एक्स माइनस वन है तो 1 नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 माइनस 1 रखेंगे, हर जगह 2 रखना है, तो यहाँ पे रखते हैं सबसे पहले, यहाँ से 8 दूनी 16, नीचे 1 में से 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी 16, यानी माइनस का 15, माइनस 4 2 जा 8, और 2 2 जा 4 प्लस 1 5, फिर 1 प्लस, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 1 3, अपॉन में 2 माइनस 1 1, माइनस एक्स माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1, और ये आ जाएगा 3 नीचे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों को एक साथ सोल्व करूंगा, इन दोनों को एक साथ, यहाँ आएगा 3 3 3 9 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 15, ये आ जाएगा माइनस का 16, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3, तो 8 3 24, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 8 अपॉन में 3, यहाँ भी 15 है, तो यहाँ भी 15 बनाने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन में 15 प्लस का 40 अपॉन में 15, तो दोनों सेम है, कट के क्या जाएगा 0। फॉर व्हाट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की क्या वैल्यू होगी, इस क्वेश्चन को भी आपको स्किप करना है। जिस इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्किप कराया था, ये सभी क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं फर्स्ट सर्कल में, यानी पहले राउंड में तो स्किप करने होते हैं, जब दोबारा एक बार पूरा पेपर कर लो उसके बाद जब टाइम बचता है तब ये क्वेश्चन करने होते हैं, तो पहले ही इन क्वेश्चनों में दिमाग नहीं मारना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनमें हर एक ऑप्शन चेक करना है, जो सा ऑप्शन फिट बैठेगा वही इसका आंसर होगा, तो उसको बाद में करते हैं। ठीक है, पहले हम 1 घंटे तक वो क्वेश्चन करेंगे जो हमें इजिली डायरेक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, और मैं स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा नहीं रहा, तो सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से पेपर करना है, तो वीडियो अगर तेज है तो उसको स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन कर सकते हो तो इसको करो, अदरवाइज छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वेरिएबल में, तो आपको अपने मन से एक वैल्यू रख के चेक करने सिर्फ ऑप्शन। तो ये वाले क्वेश्चन देखो, अभी तक मैंने जितने भी एक्स वाले कराए हैं सभी में वैल्यू पुट करके कराए हैं, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही होता है अपने हिसाब से चेक करना। यहाँ पे 1 नहीं रख सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, तो क्या रखें, 4 रख लेते हैं, तो 4 रखा एक्स की जगह 4, 4 माइनस 1 3, इसी तरीके से 4 माइनस 2 2, और 4 माइनस 3 1, फिर लास्ट में प्लस 1 भी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 1 25 इक्वल टू क्या है के स्क्वायर, तो के की वैल्यू क्या आएगी 5, तो ऐसा ऑप्शन चेक करना है, 4 रखने के बाद क्या मिले 5 मिले, 4 रखने के बाद क्या मिले 5 मिले, यहाँ पे 4 रखता हूँ, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12 प्लस 1, तो ये 16 में से 12 गई 4, 4 प्लस 1 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सिमिलरली ये भी एक वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, तो वेरिएबल फॉर्मेट में जब भी आता है तो मैंने बताया था क्या रखना है, अपनी तरफ से वैल्यू रखनी है, तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू, जहां पे हमने सभी की वैल्यू क्या रखी थी 1, क्योंकि वहां पर सेटिस्फाई हो रही थी, तो यहां पर भी हम 1 रख सकते हैं अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूँ और बी की वैल्यू भी 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो हम दोनों की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, और ना ही ए और सी की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमें पता चल गया तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए अलग, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। इसका एक इसकी एक अलग अप्रोच ये भी है, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इन तीनों की ये जो नंबर है इस नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन तीनों के साथ,
तो इससे भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है इतना बड़ा, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इन सभी के साथ। तो ये सब चीजें तो खैर मैं अपनी चैप्टर वाइज क्लास में सिखाऊंगा, फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ उसी के साथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखनी है 1, 2, 3, ए की वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3। तो यहाँ पे 1/1 में बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 × 3 = 6, ए की वैल्यू बी -1 और यहाँ पे -2, फिर प्लस 1/1 में सी ए यानी 3, बी -c यानी कि -1 और बी -a यानी कि 1, फिर प्लस 1/1 में यहाँ पे क्या रखना है, ए बी मतलब 1 × 2 और सी -a यानी 2 और सी -b यानी 1। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 1/1 में 12, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, 1/1 में 3 प्लस 1/1 में 4। तो यहाँ पे इन दोनों का देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो 4 माइनस, ये माइनस का 4 प्लस का 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/1 में 12, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 - 1/12 में 12 और ये 1/1 में 12। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 0। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 4, हाउ मेनी रियल वैल्यू ऑफ के, 6kx² प्लस 12kx माइनस 24x प्लस 16 इज परफेक्ट स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर एक्स। इस क्वेश्चन को भी पढ़ते ही छोड़ देना है क्योंकि इसमें तो दो वेरिएबल है, के की वैल्यू बतानी है और एक्स भी खुद में वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं और ये जितने भी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ इनको, मैं नेक्स्ट वीडियो में सभी का सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ हम सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से किस तरीके से हम कवर करें 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक्स एक्स प्लस 1/x = 5/2, यानी नीचे 2 है इसका मतलब यहाँ पे 2 जरूर होगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, तो 2 + 1/2, तो 2 ये सेटिस्फाई हो गया यानी 5/2, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे भी 2 रखेंगे, 2 की पावर 4 -1/2 की पावर 4, ये क्या आ जाएगा, 16 - 1/16, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ये भी 16 है, ये भी, तो ऑप्शन कोई सा भी हो सकता है, चेक करते हैं। 16 16 256 -1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इफ द इक्वेशन के 4x² - 2kx + 3k = 0, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स होते हैं इसका मतलब b² - 4ac = 0 होता है। तो b यहाँ पे 2k यानी कि 4k² आ जाएगा, माइनस 4a क्या है यहाँ पे, 4 और c क्या है यहाँ पे, 3k, तो a की जगह 4 और c की जगह 3k = 0। तो 4k² - 48k = 0 आ गया, इसमें 4k कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे k माइनस क्या आ जाएगा, 12 = 0, एक बार k = 0 हो जाएगा और एक बार k - 12 = 0, यानी 4k = 0 हो जाएगा। तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी और इधर 12 आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद इफ द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है, सम और प्रोडक्ट दोनों क्या है, 6 है, यानी सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा, दोनों ही दोनों 6 है यानी इक्वल है। तो सम क्या होता है, ये वाला होता है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b क्या है -6, -6/p हो जाएगा, और q क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा c/a, तो c क्या है यहाँ पे q और a क्या है p, तो q/p हो जाएगा। अब ये क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर है, तो 6 के बराबर है तो अल्फा प्लस बीटा 6/p हो गया और = 6 हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। p की वैल्यू अगर 1 आ गई तो यहाँ पे पुट करनी है, और अल्फा बीटा यानी ये भी मल्टीपल है यानी प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू भी क्या है, 6 है, ठीक है, और p की वैल्यू हमें 1 मिल गई, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है, q की वैल्यू हो जाएगी 6 और p की वैल्यू 1। तो यहाँ पे बताना है p प्लस q क्या हो जाएगा, 6 + 1 = 7। ये कह रहा है 4x³ प्लस, ये वेरिएबल है, ये डिविजिबल पूछ रहा है किससे डिवाइड हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, 1 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख लेते हैं, ईजी होगा, 1 रखेंगे 4 + 12 - 1 - 3, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो 12 क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी 3 से 12 डिवाइड होता है, तो ठीक है, और 2 - 1 1 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल हैव मिनिमम चेंजेस इन इट्स वैल्यू इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन,
इसको भी स्किप करना है क्योंकि हमारे पास एक क्या लेना है, हमें फ्रैक्शन लेना है, उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस देखना है। तो थोड़ा लेंथी होगा, इसको स्किप करते हैं फर्स्ट राउंड में। इसको देखते हैं, लेट एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ऑफ बॉय एंड गर्ल, यानी बॉय और गर्ल की रेशियो भी दी है, बॉय और गर्ल की रेशियो दी है 3:1, ठीक है, 3:1 लिख लिया। उसके बाद ये कह रहा है उसका एवरेज था पी, एवरेज अगर पी था तो उसका सम कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे टोटल नंबर 4 × p, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल सम आ गया 4p, ठीक है, स्कोर आ गया हमारा 4p टोटल। उसके बाद एवरेज स्कोर दे रखा है बॉय का p+1, और बॉय कितने हैं 3, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p+1, ये इसका स्कोर हो जाएगा सिर्फ बॉय का यानी टोटल। अब इसमें से माइनस करेंगे टोटल में से ये बॉय का, तो गर्ल का स्कोर आ जाएगा हमारा टोटल। तो 4p में से माइनस करना है 3p+3, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा p-3, और टोटल गर्ल कितनी है 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो p-3 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा हमारा एवरेज। एवरेज को डिवाइड करते हैं सम में से, ठीक है। नंबर द इनकम ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो, यानी एबीसी की रेशियो में इनकम दी है, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर भी दिया है, एक्सपेंडिचर भी लिख लिया। उसके बाद एक्स एक्स मानेंगे इनको, ठीक है, क्योंकि सेम होता है, और इसको वाई मान लिया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ए ने सेव करा 1/4, यानी अब इसका मतलब इसमें माइनस भी करना होगा क्योंकि सेविंग कैसे निकलती है, जितनी भी इनकम होती है उससे एक्सपेंडिचर, इसका मतलब ये लेंथ ही जा रहा है, तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसको भी स्किप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है जो कि प्लेटफॉर्म को पास कर रही है 100 मीटर, ठीक है, तो 200+100 यानी प्लेटफॉर्म को भी पास करेगी और अपनी लेंथ को भी पास करेगी, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, टोटल कितना हो गया 300 मीटर, और कितने सेकंड में 10, तो कितनी स्पीड हो गई 30 मीटर/सेकंड, सिंपल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसकी ट्रिक भी पता होगी बहुत लोगों को, इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये नंबर डायरेक्ट ही आता है 1/2 आता है, इसी तरीके से इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं 1/2 − 1/3, तो क्या आएगा ये 2 × 3 और 3 − 2 यानी कि 1/2 × 3, तो इसका मतलब 1/2 × 3 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसी हर एक नंबर को लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 − 1/2 + 1/2 − 1/3, ऐसे ही + 1/3 ये वाला −1/4, ऐसे ही चलता रहेगा, और पहला 1/(n − n−) ये वाला n+1। अब यहाँ पे दिख रहा है ये कट हो गई, ये कट हो गई, ये कट हो गई, ऐसे इससे पहले वाला ये भी कट हो जाएगा, बचेगा क्या ये और ये, इसको लिखेंगे ऐसे 1 − 1/(n+1), इसका सॉल्यूशन n+1, यहाँ पे n+1 आएगा −1, ये कट हो जाएगा, n n+1 आएगा, n n+1, अगर यहाँ n की वैल्यू 99 रखूँ तो नीचे 100 आ जाएगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है हमें क्या है, 99 है। इस क्वेश्चन में क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, पहले 20 फिर 10 फिर 5, तो बहुत लोगों को फॉर्मूला पता होगा पर मैं बताता हूँ, कोई भी 100 रुपए की चीज है उसमें कितने का डिस्काउंट दिया, पहले 20 का, यानी 5 की चीज 4 में दी, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, 10 की चीज 9 में दी, फिर 5% का, यानी 5% को लिख सकते हैं 1/20, तो एक डिस्काउंट हो जाएगा 19। तो अब इसका सॉल्यूशन कर देना है, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे ये आ जाएगा, ये घटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 171 × 2/5, तो ये आ जाएगा 2, 4, 3, 5, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 × 6 = 30, 8.4, यानी 100 रुपये की चीज़ हमें कितने की पड़ी, 68.4 की पड़ी, तो हमें कितने का डिस्काउंट हो गया, क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। द सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 5 ईयर्स, यदि वो अपना रेट बढ़ा देता है 5% कर देता है तो ओवरऑल 500 का ज़्यादा, मतलब 500 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक साल के लिए 5%, तो 5 साल के लिए क्या होगा 25%, 25% रेट इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद ओवरऑल हमें कितना मिलेगा, 500 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो 1% पे कितना मिलेगा, 20 रुपये, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो 100% में से काउंट होती है, प्रिंसिपल अमाउंट किस में से काउंट होती है, 100%, तो 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 2 साल का, उसका फॉर्मूला होता है P/100 का स्क्वायर, तो ये याद रखना है डायरेक्ट, इससे भी कर सकते हो। तो इसमें ये क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 12%, यानी R दे रखा है 12% 2 साल के लिए, और डिफरेंस क्या दे रखा है 72, तो P
हमें नहीं पता, और ये दे रखा है 12, तो 12 अपॉन में 100 कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू 72 दिया इनका डिफरेंस। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये सी आई और एस आई के डिफरेंस का फॉर्मूला है 2 साल के। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट करेंगे 4 3 जा और ये 25, 3 3 जा 9, 625 इक्वल टू 72 इंटू पी, ये 8 टाइम्स में जाएगा और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी ये क्या है, 625 है इंटू 8, 8 5 जो 40, 8 दूनी 16, 8 6 जो 48, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ए ट्रेन ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 5 आवर एंड 900 किलोमीटर इन 10 आवर। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 600 प्लस 900 1500, और टोटल टाइम टेकन 10 प्लस 5 15, तो डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वॉकिंग एट 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी यूजुअल स्पीड यानी पहले 5 थी अब 4 से जा रहा है वो, ठीक है, ये होगी इसकी स्पीड, और टाइम क्या होता है इसका उल्टा होता है रेशियो में, तो 5/4। ठीक है, तो ये कह रहा है एक मैन इज 12 मिनट लेट फॉर हिज ऑफिस, तो टाइम में देखो डिफरेंस आ रहा है, जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो उसे 4 समय लग रहा था, जब 4 की स्पीड से जा रहा था तो थोड़ा लेट हो गया यानी 5, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया यानी 1 का आया, हमारे हिसाब से 1 का आया पर उन्होंने क्या कहा 12 मिनट, तो 1 बराबर 12 मिनट, तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द कवर दैट डिस्टेंस, तो ये है यूजुअल स्पीड, तो यूजुअल टाइम भी ये वाला होगा नीचे वाला, तो 4 इंटू क्या करना है 12 करना है, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 12 48 मिनट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 80 मैंगो, तो इसको डायरेक्ट जैसा दिया है वैसे ही लिख लेते हैं। इसके बाद हमें 5 4 यानी CP 4 और SP 5, यानी 4 रुपए की चीज 5 में बेची, इसका मतलब 1 का फायदा हुआ, तो कितने परसेंट फायदा हुआ हमें, हमें फायदा हुआ 25%, तो ऑप्शन नंबर डी इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है, एक्स सेल हिज गुड्स 25% चीपर देन वाई, ठीक है, वाई एक्स जेड, ये तीन ले लिए मैंने, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो वाई एक्स ने क्या किया 25% सस्ता बेचा, यानी अगर ये 4 का बेचता है, यानी 25% को हम ले सकते हैं 1/4, यानी वाई अगर 4 का है, 4 का बेचता है, तो एक्स ने उसे सस्ते में बेचा 25%, यानी 3 में बेचा, इसी तरीके से महंगा बेचा जेड से, अगर जेड 4 का बेचता है तो एक्स ने कितने का बेचा 5 का बेचा, यानी 25% महंगा। अब इसकी रेशियो निकालते हैं, 4 5 20, 3 5 15 और 3 4 12, अब इसका क्या करना है हमें, ये हमें रेशियो मिल गया, अब ये पूछना चाह रहा है हाउ मच परसेंट इन जेड्स गुड चीपर देन वाई, तो जो जेड है ये वाला और ये वाई है, ये कितना सस्ता है, तो अब देखते हैं कितना सस्ता है, जो जिसका निकालना है उसे नीचे लिख लेते हैं, यानी जेड का पूछा है ना परसेंट, तो 12 नीचे और कितना सस्ता है 8 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, तो 2 इंटू 3 करने के बाद ये डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 200 अपॉन में। इन अ मिक्सचर ऑफ 80 लीटर्स ऑफ अ लिक्विड एंड वाटर, यानी हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें लिक्विड और वाटर है, ठीक है, लिक्विड और वाटर है, जिसमें कि 25% क्या है लिक्विड है, 25% लिक्विड का मतलब 1 और 3, ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 में से 1 क्या है लिक्विड है, तो बचा क्या 3, 3 वाटर हो जाएगा, और टोटल कितना है ये, टोटल है 80 लीटर है ये। उसके बाद ये कहना चाह रहा है कि कितना वाटर ऐड करें कि मिक्सचर जो है उसका लिक्विड का, मिक्सचर में जो लिक्विड है वो 20% हो जाए टोटल मिक्सचर का, ठीक है, 20% करना है, यानी मिक्सचर तो यानी लिक्विड तो सेम ही रहेगा, हमें 20% करना है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 का मतलब इसमें 1 रहेगा, ये क्या लिक्विड 1 रहेगा, क्योंकि लिक्विड क्या बताना है 20%, और 5 क्या है टोटल सॉल्यूशन, तो वाटर कितना बचा इसमें 4, तो हमारे पास वाटर कितना ऐड किया हमने 1 ऐड किया, 3 से 4 कर दिया, यानी 1 ऐड कर दिया, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या आ रही है 80 आ रही है, यानी कि ये क्या है 20 और ये क्या है 60, ठीक है, यानी 1 की वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पे भी 1 ऐड किया है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है 20% कैन क्लीन 20 फ्लोर इन 20 डेज, यानी 20% और वर्क कितना है हमारे पास 20 फ्लोर, वर्क को नीचे लिखते हैं, और कितना टाइम लगा 20 डेज इक्वल टू, इसमें हाउ मेनी डेज पूछ रहा है यानी एक्स,
हमें टाइम पूछ रहा है और कितने परसेंट है, 16, और काम कितना है, 16 है। तो इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या दिया है, लेट द वर्क डन बाय एक्स माइनस वन मैन इन एक्स प्लस वन डे, यानी एक्स माइनस वन मैन एक्स प्लस वन डे में काम कर रहे हैं और वो काम किसके बराबर है, वाई के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से एक्स प्लस टू मैन एक्स माइनस वन डे में कर रहे हैं, एक्स प्लस टू मैन कितने दिन में कर रहे हैं, एक्स माइनस वन डे में, और ये कितना है, जेड, ठीक है। अब इसके बाद वाई और जेड की रेशियो दी है, वाई और जेड की रेशियो दी है 9 और 10, तो इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं सभी को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशियो हो गई वाई और जेड की 9/10। अब ये तो कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा x प्लस वन और नीचे क्या बचेगा x प्लस टू इक्वल टू 9/10। ऑप्शन चेक करेंगे, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जब इसमें 8 रखेंगे तो 8 प्लस वन 9 आएगा और 8 प्लस टू 10, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 9/10 के कॉन्सेप्ट से ही आप 55 प्लस गेट कर सकते हैं, तो जो 75 प्लस वाले हैं वो इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, क्योंकि मान के चलता हूँ जो भी 75 प्लस वाले टारगेट रखने वाले बच्चे हों पीसीएम बैकग्राउंड से, तो जो आर्ट्स और कॉमर्स के हैं वो इसको छोड़ सकते हैं। बाकी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ 75 प्लस वालों के लिए, तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेंगे, लॉग 10, 3.25 है, ठीक है, 3.25 है, तो इसको लिखेंगे 31/100 को लिख सकते हैं ये, फिर लॉग m अपॉन में n का फॉर्मूला लगेगा, इसको लिखेंगे ये, फिर इसके बाद क्या करना है, लॉग 10, इसको लिखेंगे 5 की पावर 5 माइनस लॉग 10 और 10 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 2, और लॉग 10 10 सेम होता है तो वैल्यू होती है 1, माइनस इसी तरीके से लॉग 10 5, तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, तो लॉग 10 लॉग बेस 10 5, तो यहाँ पे बेस 10 तो है सभी में पर 5 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब ये है कि स्टार्ट करेंगे अब इसमें थोड़ा हम लॉजिक, तो 5 को क्या कर देना है हमें, 10/2 कर देना है, ठीक है, 5 को 10/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर से मैच हो जाएगा, अब देखना किस तरीके से मैच होता है, तो ये 10 हो जाएगा माइनस लॉग ये 10/2 हो जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर माइनस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 5 हो जाएगा ये पूरा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 5 लॉग 10/2 हो जाएगा माइनस 2, ये माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, 3 माइनस 5 लॉग 10/2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आई थी यहाँ से, तो यहाँ पे ये 5 था पर ऑप्शन में कहीं भी 5 नहीं था, तो आपको थोड़ा माइंड लगाना होता है, जैसे 5 है तो 5 से ये 2 किस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे 10 भी था बेस, तो इसका मतलब बेस 10 का ही यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट बताना है, इसका स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करके इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है, ये a माइनस बी है, a माइनस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आना चाहिए, तो a माइनस बी का जब स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आता ही है, तो इसका मतलब इनको डिजिट को स्क्वायर चेक करके देखते हैं, और ये पहला नंबर आना चाहिए 15, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 2√2 का तो आएगा 8, फिर माइनस 7 का ही आएगा ये, ठीक है, तो 8 प्लस 7 क्या आ गया 15, तो इसका मतलब ये आ सकता है ऐसे, इसी तरीके 3 3 9, 9 2 18 प्लस, ये तो ज़्यादा आएगा, ये नहीं हो सकता, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 15 प्लस 7 आएगा, ये भी नहीं आ सकता, इसका जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5 प्लस 3 8 आ रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन हमें नहीं करना, ठीक है। इसमें क्या करना है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू अल्टरनेट नेचुरल नंबर, यानी दो अल्टरनेट नेचुरल नंबर हैं, एक एक्स हो गया दूसरा एक्स प्लस वन, उसके रेसिप्रोकल का सम दिया, यानी 1/x + 1/x + 1 इक्वल टू 7/24, तो इसमें सम पूछ रहा है इन दोनों नंबर का, यानी x + 1 x + 1, ठीक है, x x + 1 है, इन दोनों का सम, यानी 2x + 1 होगा, ठीक है, 2x + 1 का मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, ठीक है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, ये तो आएगा इवन, और इवन में एक नंबर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ओड, तो ये तो सभी इवन है, तो ये तो सोल्व भी नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, इफ एन इज एनी नेचुरल नंबर, यानी यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है एन, तो एन कहाँ से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो हम छोटा ही नंबर लेंगे यहाँ पे एन इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो 5 की पावर 2 - 1 यानी कि 5 25 - 1 24 आ गया, और ये जो 24 है ये हमेशा किससे डिवाइड होता है, ये बताना है कितने नेचुरल नंबर से डिवाइड होगा,
ठीक है, नेचुरल नंबर बताने, यानी इसका मतलब फैक्टर ही बताने। ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इसमें अगेन ये लॉग का क्वेश्चन है, तो 55 प्लस 65 प्लस वाले इसको छोड़ सकते हैं, 75 प्लस वाले इसको जरूर करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन बताता हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, लॉग 5 एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 इधर आ गया जाएगा इक्वल टू, फिर लॉग 8, 8 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 तो 3 भी आ गया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्यूशन देखते हैं, तो 3 लॉग 2, ये लॉग 5 है डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल टू 3 उधर चले जाएगा, तो 3 लॉग 2 अपॉन में लॉग 5 और 3 इधर आ गया। इसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये लॉग 5, ठीक है, लॉग 5 के बाद 3 लॉग 2 प्लस 3 लॉग 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा और लॉग 2 प्लस लॉग 5, ये बेस 10 ले लेना। ठीक है, ये मैंने बेस 10 ले लेते हैं इसका, ठीक है, क्योंकि आंसर में हर जगह बेस 10 दिया, तो बेस 10 ले लेना। ठीक है, तो बेस 10 ले लिया, इसके बाद नीचे लॉग 10, ये 5। अब क्या करना है, लॉग m प्लस लॉग m, इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो लॉग m इंटू n हो जाता है, तो 5 टू जा 10, ये लॉग जिसने करा है उसको पता होगा, बाकी फिलहाल तो मैं सॉल्यूशन ही दे रहा हूँ। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 अपॉन में लॉग 10 5, और यहाँ पे 5 है ही नहीं, पिछली बार भी जो क्वेश्चन था उसमें भी 5 नहीं था, तो इसका सॉल्यूशन आपको पता है क्या होगा, 10 बाई 2 करना है, तो लॉग 5 को क्या लिखेंगे, 10 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग 10 माइनस लॉग 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और ये आ जाएगा माइनस लॉग 10 2। तो ऐसा आंसर देखना है जिसके नीचे 1 माइनस लॉग 10 2 हो, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये वाला है और ये वाला है, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 3 था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री जिसकी वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो स्ट्रॉन्ग जरूर करें, क्योंकि इतने हार्ड क्वेश्चन ही आते हैं, सिर्फ 10th लेवल की ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ क्वेश्चन होते हैं उनको छोड़ सकते हो, बताऊंगा किस तरीके से। जैसे इसमें है आइडेंटिटी, तो सबने पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो बस थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ये 3 है साइन स्क्वायर थीटा, ये 4 कोस स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में 3 ये साइन स्क्वायर थीटा ले लेंगे और प्लस इधर भी 3 कोस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, 4 कोस स्क्वायर थीटा था 3 ले लिया तो एक बचा, इसको अलग लिख लेंगे, इन दोनों में 3 कॉमन है, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और फिर यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटे पे डिपेंड है वैल्यू, तो इसमें लीस्ट पूछिए, लीस्ट का मतलब सबसे कम, तो स्क्वायर वाला सबसे कम क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है, तो इसकी जब वैल्यू 0 हो जाएगी तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। अगर यहाँ 3 प्लस कोस थीटा होता, कोस थीटा की वैल्यू होती है माइनस 1 से लेके 1 तक, अगर ये पूछता है इसकी लीस्ट वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे कम से कम माइनस 1 हो जाती, तो 3 माइनस 1 2 हो जाता आंसर। अगर ये पूछता हाईएस्ट बतानी है तो प्लस 1 कर देते, तो आंसर क्या आ जाता, 4 आ जाता। फिलहाल स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 रखोगे तो भी 1 आएगा, तो इसलिए मैंने 0 रखा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है, साइन थीटा कोस थीटा, अब देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है जिसकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, इसमें क्या करना है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, फॉर्मूला बन जाता है फिर साइन 2 थीटा का और अपॉन में 2 इक्वल टू के। अगर कोई बात नहीं है, अगर ट्रिग्नोमेट्री किसी की वीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर हर एक बंदा कर सकता है, तो वो क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करें और बाकी स्किप करें, एट द एंड यू विल गेट कि आपने कम से कम इतने क्वेश्चन कर लिए कि ईजिली 50 प्लस स्कोर हो जाएगा, 55 प्लस 50 प्लस ईजिली हो जाएगा, बस एक क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना, ये चीज़ ध्यान में रखना बस। ठीक है, अब यहाँ पे साइन टू थीटा अपॉन में 2 इक्वल टू के हो गया। ठीक है, इसके बाद ये वैल्यू कह रहा है 0 से लेके पाई बाई 2 तक लाई करती है। ठीक है, तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक इसको रखते हैं, सबसे पहले 0 ही रखते थे, अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 की वैल्यू 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। अगर मैं पाई बाई 2 रखता हूँ यहाँ पर, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 1 अपॉन में 2, क्योंकि नीचे क्या है, 2 है, इस पूरे की वैल्यू 1 होगी और नीचे 2 है, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2, यानी
के की वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 से लेके 1/2 तक रहेगी, तो ऑप्शन नंबर ये 0.5 आ जाएगा, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 तक है, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे पूरा 1 तक दे रखा है और ये लाई आ रही है यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बंदों को हार्ड लगते हैं, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको सेकेंड राउंड में कराऊंगा। हार्ड कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें वैल्यू चेक करनी है और फिर बताना है ये लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक। तो आपको अगर लगता है ये क्वेश्चन हार्ड है तो छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट। आपको आपका जो टारगेट है वो 60 मिनट में कम से कम 45+ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तो उसी पे फोकस रखना है, क्वेश्चन छोड़ते चलो, सेकंड राउंड में कंप्लीट करेंगे सभी को, ठीक है। इसको पढ़ते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन दिया है, इसकी वैल्यू बतानी है ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट तक। आपको अगर लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो करो, अदरवाइज इसको छोड़ दो, पर नॉर्मल बंदा इसको छोड़ेगा जरूर, तो मैं भी इसको स्किप करूंगा, पर सभी के सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं, हमारा जो टारगेट है हम उसको अचीव करते हैं, तो सभी के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कर सकता हूँ और अपने हिसाब से, बहुत से बंदे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं पहले अटेम्प्ट में, ठीक है, तो अपने हिसाब से कर लीजिए, पर मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इफ द इक्वेशन x²+y²-2xy(sin²θ=0) कंटेन रियल सॉल्यूशन, यहाँ पे आपको पता चल गया रियल सॉल्यूशन, क्योंकि आपके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्योंकि इसमें रियल सॉल्यूशन दिया, रियल सॉल्यूशन मतलब b²-4ac=0, और यहाँ पे बस आपको इक्वेशन पहचानना है। अगर आपको लगता है फिर भी हार्ड है तो आप इसको स्किप करो, आगे जाइए, कम से कम 55 क्वेश्चन तब भी हो जाएंगे। विश्वास नहीं होता तो हर एक क्वेश्चन को स्किप करके देख लेना, जो जो मैं सोल्व करा रहा हूँ और जो जो मैं स्किप करवा रहा हूँ उसे स्किप करने के बाद, तो ये हो जाएगा x², और यहाँ पे ये x वेरिएबल आ रहा है तो इसका मतलब -2y(sin²θ) ये हो जाएगा b और y² हो जाएगा c, तो हमें क्या लेना है b², बी स्क्वायर मतलब -2y(sin²θ) का होल स्क्वायर, -4, a क्या है यहाँ पर 1 और c क्या है यहाँ पर y²=0, तो ये हो जाएगा 4y²sin⁴θ -4y²=0, कॉमन आएगा 4y²sin²θ -1=0, ये 0 हो जाएगा, तो sin²θ -1 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ sin⁴θ है, ठीक है, sin⁴θ -1=0 हो जाएगा, तो sin⁴θ क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब sin⁵ की वैल्यू क्या आएगी, sin⁵ की वैल्यू आएगी 1। अब जो sin⁵ की वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे जब 1 पुट करोगे तो sin⁵², तो इसमें आ जाएगा आपका 1 टोटल, तो इसका इधर लिखते हैं, ये हो जाएगा x²+y²-2xy। अब sin²θ था, sin²θ क्या हो गया 1, क्योंकि sin⁵ की वैल्यू क्या थी, sin⁵ की वैल्यू थी 1, तो स्क्वायर भी करेंगे 1 का तो भी क्या आएगा 1, तो सिंपली ये चीज़ आ गई। अब इक्वल टू क्या लिखा है 0, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x-y=2 क्या जाएगा 0, तो x=2 क्या हो जाएगा y, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू बतानी है, सबसे पहले यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोस दोनों को सेम कर लेना है, तो कोस कोस कर लेता हूँ, यहाँ पे कोस क्या आ जाएगा 89, 90-θ कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस 57, ठीक है, ये साइन 1 डिग्री इसको लिखेंगे कोस 90-1, तो ये हो जाएगा 89। इसी तरीके से इनको, इन दोनों को भी सेम कर लेते हैं, तो कोस क्या है 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा कोस 33 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो कोस की वैल्यू होती है कोस 90 की, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यानी जब 90 से 0 की तरफ चलते हैं, यानी ज़्यादा से कम की तरफ चलते हैं, तो वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, यानी जब ज़्यादा है, यानी जब डिग्री क्या होती है ज़्यादा, यानी 89 है, 89 पे इसको 90 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 89 को 90 मान लो, 90 पे क्या आ रही है वैल्यू 0, तो लिख लो 0, और यहाँ पे क्या है 57, तो जितना कम की तरफ जाओगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, तो 57 को मान लो 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो देखो बढ़ रही है ना, तो इधर वाली ज़्यादा है तो ये साइन, ये वाला साइन भी लगाए ग्रेटर देन, तो इसका मतलब ये वाला ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा है cos 60 और लिखा है 33, तो 33 की जगह इसको 30 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे ये वाला ज़्यादा है पर इसमें दिखा रखा है ये वाला ज़्यादा है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर ओनली ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, p=sec θ - tan θ, q=a, इसमें बतानी है p प्लस q और p-1 की वैल्यू,
इसमें अपने अकॉर्डिंग फिर दोबारा क्या रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू रख सकते हैं क्या, 45। थीटा की वैल्यू जब 45 रखी तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 45 रखने पे आएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। ठीक है, पी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 माइनस 1। इसी तरीके से क्यू की वैल्यू क्या रखनी है, सेम 45। तो कोस कोसेक 45 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 और कोट 45 की 1। तो हमारे पास ये आ गए। तो अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी प्लस क्यू पी माइनस वन। तो पी क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 माइनस 1। फिर प्लस क्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 2 प्लस 1, फिर ब्रैकेट, फिर इसके बाद हमारे पास पी माइनस वन लेना है। पी माइनस वन यानी अंडर रूट 2 माइनस 1 और फिर माइनस वन यानी कि 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, अंडर रूट 2 माइनस 1 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी क्या आएगा, 2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस 2 अंडर रूट 2। इसकी इसमें होगी अंडर रूट 2 और फिर माइनस 2। ये कट गया और ये भी कटेगा, पर माइनस का अंडर रूट 2 आ जाएगा। फिर ये 2 माइनस 1, इसके बाद ये दोनों भी कट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, -1। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें आइडेंटिटी लगती है, जैसे कि सेक थीटा -10 थीटा, इस टाइप के क्वेश्चन होते तो भी उसमें आइडेंटिटी लगती। तो हमें करना क्या है, ये याद रखना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक है, इसको खोल लेते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में ये। ठीक है, तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में ये आया, और इसकी वैल्यू क्या दी थी, एम। तो 1 अपॉन में एम आ जाएगा, और यहाँ पे ये क्या है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू एम। इन दोनों को ऐड करना है, ये कट जाएगा और ये दोनों ऐड होके 2 टाइम्स में हो जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों का ऐड करेंगे तो 1 अपॉन एम प्लस एम हो जाएगा। फिर हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये इधर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2m प्लस m अपॉन में 2, ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले। चलो ये हो गया भाई राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल जो बनना है वो सी पर बन रहा है, यानी ए यहां पर हो गया, बी यहां पर हो गया। ठीक, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, टेन ए टेन बी, टेन ए और टेन बी की वैल्यू बतानी है उन्हें ऐड कर कर। तो सबसे पहले इस साइड को ए, इसको सी और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, टेन ए प्लस टेन बी की वैल्यू निकालनी है। टेन ए अगर ये निकालते हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये हो जाएगा, यानी ए बाई बी। ठीक, प्लस और टेन बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बी और बेस ए हो जाएगा, यानी बी बाई ए। इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले नीचे क्या आ रहा है, ए बी, तो ये तो है नहीं, ना ही ये है ना ही ये है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सोल्व ही नहीं करना चाहता। इसमें कह रहा है कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इक्वल टू 2, ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। तो साइन अल्फा और साइन बीटा 0 कब हो सकते हैं, यानी इसका मतलब ये दोनों 0 होंगे, और ये दोनों 0 कब होंगे, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू ही 0 होती है। ऐसे ही साइन बीटा की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, तो साइन बीटा कब होगा, 0, जब बीटा 0 होगा। तो अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास क्या मिल गए हमें, 0, और यहाँ पे भी इसे सेटिस्फाई करना है, अगर यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं, कोस 0 की वैल्यू 1, और ऐसी बीटा की जगह भी 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, और 1 1 प्लस 1 और 1 2, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई है। अब हमें बताना है ये वाला, अब इसको हम चेक करेंगे, कोस 2 अल्फा, 2 अल्फा मतलब 2 इंटू 0 यानी कोस 0, ऐसी 2 बीटा, बीटा की वैल्यू भी 0 है तो कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के जो बहुत ज्यादा बेसिक आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ आ जाते हैं उन्हें छोड़ो, आगे बढ़ते जाओ, उनको जब करना है जब सेकंड साइकिल में आना है। ठीक है, सब क्वेश्चन कराऊंगा मैं, सभी होंगे, ठीक है, वो भी इजी मेथड में। ये वाला क्वेश्चन भी देखो, एक अप्रोच बताई थी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, x प्लस 1 अपॉन x, जिसमें 5 अपॉन में 2 था। तो मैंने बताया था अगर नीचे 2 है, मतलब यहाँ पे अगर ये 2 है तो ये वाला भी 2 होगा। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जामिनर एकदम सिमिलर क्वेश्चन देता है। ठीक है, मतलब अप्रोच अलग होगी पर क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं। जैसे कि sec थीटा को क्या करेंगे,
वन अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 5/2। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैंने कहा था नीचे यहाँ पे अगर 2 है तो यानी x की वैल्यू भी 2 होगी। तो आपने देखा होगा अगर यहाँ पे 2 है तो कोस थीटा की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए। पर मैंने ये भी बताया था कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से 1 तक होती है। तो 2 तो आएगा ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? अब ये 2 नहीं आ सकता, यानी कोस थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। तो अब क्या कर सकते हैं, कोस थीटा की जगह ये वाला देखेंगे। अब अगर ये 2 नहीं हो सकता तो ये तो 1/2 हो सकता है, यानी कोस थीटा को 1/2 ले सकते हैं। तो ये 1/2 आ गया प्लस, अब इसको भी 1/2 लेना है तो 1/2 लोगे तो 1 नीचे और 2 ऊपर, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्या आ गया, 5/2। देखो 2 2 जा 4 और ये 1, तो 5/2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने कोस थीटा, ये वाला कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या रखी, 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या रखी, 1/2 रखने पर आ रहा है। 2 रखने पर नहीं आ रहा तो 1/2 रख लो, ठीक है, पर अपना दिमाग यूज करना है। अब क्या आ गया यहाँ पे, थीटा की वैल्यू 1/2, और थीटा की वैल्यू 1/2, कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब रहती है, जब एंगल 60 डिग्री होता है। और साइन 60 का मतलब क्या होता है, √3/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो √3 3 आ जाएगा और 2 क्या आ जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं गिवन, तो अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर लेनी है। अपनी तरफ से वैल्यू क्या करेंगे पुट, 45। तो कोट 45 की वैल्यू 1, ऐसे ही इसकी √2, ये यहाँ तक खत्म। ऐसी 1 tan 45 के लिए 1, ऐसी sec की √2, ये हो जाएगा 2 2 माइनस √2, ऐसे ये हो जाएगा 2 प्लस √2। ए माइनस बी ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 2, यानी आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को देखो किस तरीके से करना है, एक मैं फॉर्मेट बताता हूँ। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एक्स, फिर यहाँ पे बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा इक्वल टू वाई। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास लूंगा तो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसी को इस फॉर्मेट में बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 है 8 है, 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 में कोस थीटा, ये भी सेक थीटा को, ठीक है। फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोस थीटा, ठीक, ये कट गया, तो ये आ गया 6 कोस थीटा प्लस 8 साइन थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से इसको भी लेकर आना है, ये क्या हो जाएगा नीचे, 8 कोस थीटा माइनस 6 साइन थीटा इक्वल टू के, क्योंकि ये के क्या बन जाएगा, 1/2 में ये कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा तो के है ऊपर, तो के ही बचेगा। तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल इसी की तरह है, और यहाँ पे ए क्या है 6 और बी क्या है 8। तो मैंने बताया था ए की जगह ऐसे लिखेंगे और बी की जगह ये लिखेंगे, और एक्स क्या है यहाँ पे 1 है और वाई क्या है यहाँ पे के है, तो 1 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर, तो 6 6 36 8 8 64 और 1 का स्क्वायर 1 और के स्क्वायर, और के स्क्वायर की वैल्यू निकालें, इन दोनों को ऐड करेंगे 100, इधर 1 प्लस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, 99। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैंने ये 60 मिनट में आपको क्वेश्चन करके दिखाई है, जो हमारा टारगेट था 45 प्लस का, तो ये हमने अचीव कर लिया है। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो निकालूंगा, उसमें आगे का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने सॉल्यूशन थोड़े फास्ट करे हैं क्योंकि मुझे टारगेट कंप्लीट करना था। मैंने कोई आपको ये सॉल्यूशन नहीं दिए, मैं आपको कोई चीज़ नहीं सिखा रहा, तो मैं अपना चैप्टर वाइज वीडियो निकालूंगा, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आप मेरी दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं ज्योमेट्री की, तो उसमें बहुत बेसिक से पढ़ाया मैंने। तो थैंक्स।